ये अभी हमें शफीक साहब ने पर्चा दिया है, आपका इशारा जो पासवान उर्दू अदब की तरफ से यहाँ मोहतरम अलीफत जमाल और उनके दिगर रुख ने मुनद किया है, जिसको बरेली, दुबई, आसाम, मुंबई, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, जद्दा, सऊदी अरब, कराची, जम्मू कश्मीर, ओमान, कैलिफोर्निया और अमरीका और केरला वगैरह में जो लोग देख रहे हैं उन्होंने अपने फीडबैक अभी यहाँ इंटरनेट के जरिए भेजी है, वो इन मुशायरे को पसंद कर रहे हैं। आए दोस्तों, ये रात आखिरी लोरी सुनाने वाली है, मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आने वाली है, हंसी मजाक की बातें यहीं पर खत्म हुई, अब इसके बाद कहानी बुलाने वाली है। हम बहुत ज़्यादा देर तक हंस नहीं सकते हैं, हमको बीच बीच में संजीदा होना पड़ता है। आइए एक बार फिर हम संजीदगी का रुख करते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ आपकी अपनी सरजमीन के एक शायर जनाब अमजद खान अमजद साहब को तशरीफ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। एक अमजद खान साहब जो फिल्म दुनिया में मशहूर थे, एक अमजद खान साहब ये हैं जो पुरकाजी की नुमाइंदगी मुशायरों के हवाले से दूर दराज कर रहे हैं, आप उनको समाप्त करें। शायरे को सजाने में बड़ी मेहनत की है, हम इसलिए इनका भी उनको मुबारकबाद देते हैं और ये आपकी मोहब्बतों के मुस्तहिक हैं अमजद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, चाहिए से शुरुआत करता हूँ, आपकी दुआएं करता हूँ, सदर मोहतरम से दुआएं करता हूँ। मुझको रुपया न चांदी न जर चाहिए, मुझको रुपया न चांदी न जर चाहिए, जिंदगी के लिए तेरा दर चाहिए। क्या कहने, मुझको रुपया न चांदी न जर चाहिए, जिंदगी के लिए तेरा दर चाहिए, और तेरे दर पर झुके तेरा कहलाए जो, तेरे दर पर झुके तेरा कहलाए जो, मुझको शानों पे अपने वो सर चाहिए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। एक ताजा गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। किसी लम्हा अगर तुम थाम लेते हाथ चुपके से, किसी लम्हा अगर तुम थाम लेते हाथ चुपके से, किसी लम्हा अगर तुम थाम लेते हाथ चुपके से, गुजर जाते दबे पाऊं, गुजर जाते दबे पाऊं, मेरे सदमात चुपके से, गुजर जाते दबे पाऊं, मेरे सदमात चुपके से, गुजर जाते दबे पाऊं। तो शेर को तो हाथ आज करता हूँ खिदमत में। फजाओं में था शोर गुलना, बिजली में कुचाहट थी, फजाओं में था शोर गुलना, बिजली में कुचाहट थी, मेरे घर में हुई अब के, मेरे घर में हुई अब के, बरस बरसात चुपके से, मेरे घर में हुई अब के, बरस बरसात चुपके से, मेरे घर में हुई अब के। दोस्त आप बहुत खामोश नजर आ रहे हैं, फिर एक शेर नौजवानों की नजर करता हूँ, अच्छा लगे तो अपने गाँव से नवाजे का। वो मेरी शायरी पर कर जला देती है कागज को, वो मेरी शायरी पर कर जला देती है कागज को, मगर फिर गुनगुनाती है, मगर फिर गुनगुनाती है, मेरे नगमात चुपके से, मगर फिर गुनगुनाती है, नगमात चुपके से, मगर फिर गुनगुनाती है। दोस्तों शेर पर आपकी दुआएं चाहूंगा, अच्छा लगेगा तो दुआ सुना देना मुझे। बांटते हैं हम, जहाँ को बांटते हैं हम, यही खैरात चुपके से, जहाँ को बांटते हम, यही खैरात चुपके से, जहाँ को बांटते हैं हम। दोस्तों इस गजल का ये शेर मुझे बेहद पसंद है,
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। इस गजल के सारे शेर एक तरफ और ये शेर मेरा एक तरफ। जहाँ को बांटते हैं हम यही खैरात चुपके से, जहाँ को बांटते हैं हम किसी की खस्ताहाली पर मुझे जिस दम हंसी आई। सुने दोस्तों, किसी की खस्ताहाली पर मुझे जिस दम हंसी आई, यकायक हंस पड़ी मुझ पर, यकायक हंस पड़ी मुझ पर मेरी ही जात चुपके से, यकायक हंस पड़ी मुझ पर मेरी ही जात चुपके से, यकायक हंस पड़ी मुझ पर। और गजल का मुख्तारिफ करता हूँ। जमाना भी है अमजद ये किसी गहरे कुएं जैसा, जमाना भी है अमजद ये किसी गहरे कुएं जैसा, जमाना भी है अमजद ये किसी गहरे कुएं जैसा, सुनाता है मुझे मेरी, सुनाता है मुझे मेरी पलट कर बात चुपके से, सुनाता है मुझे मेरी पलट कर बात चुपके से, सुनाता है मुझे मेरी। क्या कहनी भाई, साथी जनाब अमजद खान अमजद जो आप ही के सरजमीन के शायर थे, वो अपनी शायरी से नवाज रहे थे। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं हमें सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो तालियों को निभाते हुए मर जाते हैं। मुशायरा या उर्दू की महफिलें या शायरी उसी तहजीब को निभाने की कोशिश होती है, वो तहजीब जो हमारी हमारे पुरखों का हिस्सा है, जो हमारे बुजुर्गों तक हम तक पहुँची है, जिससे हम जबान की हिफाजत भी करते हैं और शेर व सुखन की इस रिवायत को आगे बढ़ाते हैं।